हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव द लेसन्स। तो हम आप पहुंच चुके हैं जिम कॉर्बेट, अपने रिजॉर्ट के जस्ट पास में ही है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा पराठे खाने के लिए रुके थे, लेकिन सिर्फ पराठे नहीं, हम यहाँ से बकायदा थाली खा के उठे हैं। पता नहीं वहाँ का खाना क्या होगा, लंच जो हमें वहाँ से मिलने वाला है। लेकिन ये आप पीछे जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं, रेड सी रेस्टोरेंट, इनकी थाली मैं आपको बताऊँ एकदम सादा और एकदम बढ़िया खाना। कह सकते हो हमारी किस्मत अच्छी रही है कि नैनीताल में सिर्फ एक जगह फर्स्ट टाइम जब हमने खाया था वहाँ ख़राब था, उसके अलावा हमने जहाँ भी खाना खाया पूरी ट्रिप पे खाना हमें अच्छा ही मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पैसे का भी हिसाब बताता हूँ कि क्या है। हमने लिया एक दो थाली ली थी, दो पराठे लिए थे और चाय एंड ऑल मिला जुला के हमारा बिल आया है 440 रुपये का। तो आप सोचो चार लोगों का 440 में निपट गए हम लोग, और खाना बहुत ही बेहतरीन। मतलब आप कह सकते हो कि अभी तक जितना पैसा हम लोगों ने खाने में लगाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पैसा पूरा वसूल हुआ है। ना कि 440 का ही, मैं कहूँगा ये खाना 840 का होता तो भी वर्थ था, इतना बेहतरीन खाना था। एक बार मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ये है वो रेस्टोरेंट, रेड सी रेस्टोरेंट। ये जिम कॉर्बेट वाले रोड पर ही है। बाकी आप देख सकते हो ये नेचुरल ट्रेल सफारी जो तरंग लॉट एंड प्रिंस है, इसके जस्ट बगल में रेड सी रेस्टोरेंट, बहुत ही बेहतरीन खाना। तो ये रेड सी रेस्टोरेंट जो था उसके जस्ट बगल में ही था हमारा रिजॉर्ट। ये हमारे रिजॉर्ट की एंट्री है। तो यहाँ से तो भाई ठीक ही ठाक दिख रहा है, थोड़ा ऑफ सीज़न था तो आप कह सकते हो कि यहाँ शांत है, इतनी भीड़ नहीं थी, और यहाँ पर पार्किंग का भी अच्छा खासा एरिया है। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग एंटर हो गए अपना होटल के या फिर अपने रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया में। और रिसेप्शन एरिया दिखता है आगे से, आप देखिए क्या बेहतरीन यार, इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पे, और ये ऊपर जो झूमर लगा हुआ है वो तो और भी सुंदर लग रहा है। तो फिलहाल रिंकू भैया सीधे गए चेक इन के लिए, और हम लोग यहीं पर आसपास अपना टाइम पास कर रहे थे। मेरी चाहिए होगी, मेरी भी आपके पास है ना? यस, ये लीजिए। तो यहाँ पे आते ही देखो ये महिलाओं ने शुरू कर दिया है कैरम बोर्ड खेलना, और यहाँ रिंकू भी चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ कर रही है। फिर बाकी होटल देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया, ये जिन्होंने मेरी बुकिंग कराई है ड्रीम्स गेटवे। तो मेरे साथ जॉब करते थे, मैंने स्टार्टेड माई करियर इन 2017 अमित यादव, यू कैन से अमित राव साहब, यूज़ टू वर्क विद मी, उन्होंने ये सब मैनेज किया मेरे लिए, एंड आई एम रियली हैप्पी। लोकेशन अच्छी है, अभी जगह अंदर जाके और देखेंगे, हालांकि इस होटल के बारे में अच्छा खासा मुझे पता भी है, लेकिन वी हैव टू थैंक। वेलकम टू, इनसे स्वागत किया गया है भाभी का। बढ़िया बढ़िया, एंड दीज आर द डू एंड डोंट्स फॉर गेस्ट सेफ्टी। तो आप यहाँ देख सकते हो कई चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जंगल का एरिया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है कि डू एंड डोंट के लिए। यहाँ से अंदर हमारा रिजॉर्ट एरिया है, ये रिसेप्शन, रिसेप्शन पे भी आप देखें तो अच्छी खासी बैठने की जगह है। तो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम लोग निकल गए अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो होटल रूम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है। तो घूमते घूमते हम लोग पहुँचे लिफ्ट के पास, जहाँ से भाभी और बच्चे जो है दूसरे रास्ते जाए थे, और ये यहाँ पर होटल के हेल्पर है जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारा सामान ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन हमने इनको बोला कोई नहीं आप ऊपर जाइए, हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो बाहर आप ये देखोगे ये है पूल एरिया जो कि ऊपर से ओपन है, और पूल अच्छा खासा बड़ा है। आई डोंट नो कैमरा में छोटा लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जाके ये एक अलग ही व्यू था। साथ में अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो साइड एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, कई बार साइड में जगह नहीं होती। रिजॉर्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन, मौसम और भी ज़्यादा बेहतरीन। इधर ये बैठने के लिए एरिया साइड में अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, टॉवल वगैरह या स्नैक्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इधर अगर ये देखोगे, मैं आपको दूसरे एंड से भी एक बार दिखाना चाहूँगा। अंदर घुसे हम लोग अपने रूम में, ये रहा आपका वॉशरूम, ये आपका सामने आप रूम देखोगे कितना ज़्यादा बड़ा रूम है, सामान रखने की इनफ जगह है, और ये किंग साइज बेड, साथ में सोफा, इधर ये रहा मैं। ये हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल, ये पूल पार्टी कर रहे हैं, जा रहे हैं हम डूबने, और ये रहा पीछे हमारे स्विमिंग पूल, हम वहीं जा रहे हैं। तो आपको भी चल के दिखाते हैं स्विमिंग पूल पास से, और हमारे साथ
एक ट्रेजेडी हो गई है। मैंने हम लोग अपने रूम से निकल आए पर हमने ध्यान नहीं दिया कि रूम लॉक करना है कि नहीं करना है। हम नॉर्मली बाहर आ गए और हुआ क्या, गेट हो गया लॉक। एक्सेस कार्ड अंदर ही है और गेट हमारा लॉक पड़ा हुआ है। एक्सेस कार्ड कह रहे हो एक्सेस की जो भी गरीब आदमी अमीर जगह आ जाए तो ऐसी गलतियां करता ही है। और ये इनकी देना, इनकी ये आई सबसे लास्ट में। आप बोले ये भाभी बोली नहीं, मैंने बोला था, मैंने कैसे बोला लॉक कर देना। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं वो भी सॉल्यूशन पर। उससे पहले हम जा रहे हैं पूल में। हेलो गाइस, ये माधव और माधव के डैडी। माधव क्या कर रहे हो आप? स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हो? वाटर पार्क, वाटर पार्क। स्विमिंग पूल में है। तो क्या कर रहे हो आप स्विमिंग पूल में? और ये हमारी भाभी जी गुस्सा हो रही है कि तुम फोन को पानी में डाल दे रहे हो बार बार, और कुछ खराब हुआ तो तुम दोनों भाई देखोगे। बस मैं ही खरीदूंगा वो आधे रेट में। क्या हो रहा है माधव? अच्छा अच्छा, कीड़ा आ गया, ये देखो। और एक काफी मशक्कत के बाद भैया जा रहे हैं बाहर और भाभी आ गई है पानी में। मैं इस वजह से नहीं आ पाती, आने दे रहा था। ये देखो भी रो रहा है। ये देखो जैसे ही भाभी पानी में आई है, तुम एक बार उसको पकड़ो, बच्चा एक्शन में आ गया। मुझे डर लगा, पापा कंधा पकड़ो, माधव की मम्मा आ गई पानी में। चलो ओ मम्मा तो पीछे रह गई, भागो। थ्री टू वन गो। माधव कहाँ से आए हो? कहाँ से? अच्छा, वाटर पार्क।